नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। अभी तक जितने वीडियोस मेरे आ चुके हैं और इन वीडियोस पे आपका जो रुझान है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहला आपका काम है चैनल को लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करें और ये बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और वीडियो के लिए आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। वीडियो के लिए आपकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरह से आपके सवाल आ रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन सवालों के जवाब जितना अच्छे से जितना आसान तरीके से आपको दे पाएं, वो कोशिश हम लगातार पिछले 8-10 महीनों से करते आ रहे हैं। और इन कोशिशों के बाद जो आपके रिप्लाई आते हैं वो सुनकर या वो देखकर पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं उन रिप्लाई को टाइम लेकर पूरा टाइम देकर आपको मैं उसको रिप्लाई करूं, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी तकलीफ जिस भी तकलीफ में है उसको यदि रिप्लाई ठीक टाइम पे मिल जाए या सही रिप्लाई मिले, क्योंकि वो रिप्लाई एक एडवाइस होती है और डॉक्टरी एडवाइस में टाइम लगता है। यदि आपको कोई चीज़ें हम बता रहे हैं, किसी बात के बारे में आपको सलाह दे रहे हैं, तो उस सलाह को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि हर बार हर व्यक्ति जल्दबाजी में होता है और जब भी जल्दबाजी में हम होते हैं तब हमारी समस्याएं बढ़ जाती है। कृपया जब भी आप समस्याओं के बारे में लिखें थोड़ा डिटेल में लिखें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक ये है थायराइड के लिए होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है। मैंने थायराइड पे मेरे कुछ वीडियो शेयर किए हैं, आपको उसको ध्यान से देखना है और उन वीडियोस को देखने के बाद मुझे लगा कि ये एक वीडियो फिर से एक थायराइड पे वीडियो मैं आपको शेयर करूं ताकि मैं उस पर कुछ बारीकियों को बता सकूं जो मैंने अपनी लाइव क्लिनिक्स में भी शेयर की है। मैंने अक्सर अपनी लाइव क्लिनिक में थायराइड को एक आलसीपन की बीमारी बताया है। आलसीपन की बीमारी का मतलब यह है कि हमारा शरीर, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि थायराइड का हर मरीज आलसी है, ये बिल्कुल इसका मतलब मत निकालना। हाँ, हमारी आदतें हमें आलस्य की तरफ लेकर जाती हैं और जैसे जैसे हमारा शरीर आलस्य की तरफ जाने लगता है हमारी बॉडी में वीकनेस आने लगती है। हमारी बॉडी की ये वीकनेस शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं के रूप में, उपापचयी क्रियाओं के रूप को के स्लो होने के रूप में, डल होने के रूप में दिखती है। बातों को थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा और पूरा वक्त लेके कॉन्सेंट्रेट होके इन आगे आने वाली बातों को समझिएगा। मैं ये बात डिस्कस कर रहा हूं कि आपको ही आखिर में थायराइड हो क्यों रहा है और आज के ही जमाने में थायराइड की तकलीफ क्यों है, आज के जमाने में या आपको ही ये थायराइड क्यों हुआ, उनको जरा समझिए। बातें समझने की है कि आपकी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली किस तरह की चल रही है उसको थोड़ा सा पढ़िएगा, उसको समझिएगा। पढ़िएगा का मतलब है अपने आप को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफस्टाइल यानी आपकी जीवन शैली किस तरह से चल रही है। आप सुबह का नाश्ता क्या कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, दोपहर का खाना क्या खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं। ज्यादातर लोग दोपहर के खाने में केवल रोटी सब्जी लेते हैं, पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ घी तेल पूरी जो हम अपने दैनिक जीवन में खाया करते थे पहले स्कूल टाइम तक कॉलेज टाइम तक, वो हमारा खाना अब नहीं रह गया। हमारे ऑफिसेज में ये सब सिस्टम बिगड़ चुका है क्योंकि हमें टिफिन ले जाने में थोड़ी सी शर्म होती है, या जो लोग टिफिन ले जाते हैं वो पूरा टिफिन ले जाते हैं, बोलते हैं दाल चावल सब्जी रोटी वहां खाएंगे, दाल चावल यदि खाएंगे तो आलस्य आएगी, ऐसा अक्सर होता है। प्लीज इस बात को अवॉइड करें क्योंकि न जाने कितने सालों से आपने दोपहर का खाना पूरा नहीं खाया। अगली बात, शाम का नाश्ता जो होता है वो केवल चाय में सिमट गया है, नाश्ता नहीं रह गया क्योंकि नाश्ता वहां रहता ही नहीं है। रात का जो खाना है वो इतना भरपूर हमने खाने लगा है, हमारी आदत इस तरह से बन गई है कि जो दिन भर की कसर होती है वो रात में पूरी होती है। तो कुल मिलाकर सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब दिन भर की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम थक जाते हैं इतने कि हमको फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक्सरसाइज, स्विमिंग, योगा, वॉक, स्विमिंग, मतलब कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसे हमें रेगुलरली करना चाहिए उसमें
हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि हम थके हुए आते हैं। अब दिन भर की सिटिंग जॉब या ऑफिस के एग्जर्शन के बाद जब आप घर आ रहे हैं तो आपने खाना एकदम भरपूर खा लिया और देर रात तक जागने के बाद 12-12 1-1 बजे 2-2 बजे तक जागने के बाद हम सो जा रहे हैं और सुबह फिर जल्दी उठना है क्योंकि हमें ऑफिस जाना है। तो कुल मिलाकर हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है और अब जो बीमारी बनेगी वो है एक ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज दैट इज कॉल्ड थायरॉइडाइटिस। ये थायरॉइडाइटिस हॉशिमोटोस थायरॉइडाइटिस कहलाता है और ये इसमें थायराइड ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स निकलते हैं उन हॉर्मोन्स के लिए कि जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन जाती है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी बन जाती है और उस एंटीबॉडी के फॉर्मेट होने की वजह से हमारी बॉडी में थायराइड हॉर्मोन्स के सिक्रेशन रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं, ग्लैंड की एक्टिविटी डल पड़ जाती है, कई बार ग्लैंड्स में स्वेलिंग मिलेगी। पहले के ज़माने में देखा होगा आपने एक घेंगा होता था जो थायराइड में जो आयोडीन की कमी से होता था। आजकल आयोडीन की कमी नहीं हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी अब पूरी की पूरी ग्लैंड स्वेल हो जाती है। थायराइड कैंसर के पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, थायराइड के मरीज बढ़ गए हैं, कम से कम एज वाले पेशेंट्स को भी थायराइड हो रहा है। तो इन बातों को जब आप समझेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से डल हो रही है, स्लो हो रही है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हमें बहुत मिलती है। अब मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि ये तो थे कारण किस वजह से होते हैं, हमारी बॉडी कैसे स्लो होती है। दूसरी बात, थायराइड के लक्षण जो मैंने पिछले अभी वीडियोस में शेयर किया है उनको मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं। ज्यादातर केसेस वेट बढ़ रहा है इस वजह से आते हैं। ज्यादातर केसेस में दो प्रकार के थायराइड हैं, हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म स्पेशली हो रहा है, हाइपरथायरायडिज्म के मरीज रेयरली मिलते हैं। हाइपोथायराइड में मरीज मोटा हो जाता है ऐसा बोला जाता है। जनरली सभी मरीज मोटे नहीं होते, कुछ ही होते हैं। ज्यादातर केसेस आजकल ऐसे आ रहे हैं जिसमें, ये बात समझना कि जरूरी नहीं कि आप मोटे हो गए तो आपको थायराइड है और जरूरी नहीं कि हर थायराइड का मरीज मोटा हो। स्पेशली हाइपोथायराइड के केस में भी, मतलब TSH का लेवल जिसमें बढ़ा होता है उसमें भी, यानी हाइपोथायराइडिस्म के केस में भी मरीज मोटे नहीं हो रहे हैं आजकल। आजकल हो क्या रहा है, आजकल ये सारा सिस्टम चेंज हो गया है, बॉडी पूरी चेंज हो गई और कार्डियक सिम्टम्स यानी BP के जो सिम्टम्स हैं वो आने लगे हैं। मरीज बहुत जल्दी थक जाता है, सांस फूलने लग जाती है और फीमेल पेशेंट्स में स्पेशली मासिक धर्म की अनियमितता मिलती है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने अक्सर थायराइड के लिए एक मेडिसिन बताई हुई है, वो है थायरॉइडिनम 3X। एक गोली सुबह एक गोली शाम, इस डोज को हमेशा आपको लेना है। और ये दवाइयां लेने के साथ साथ आप, ये होम्योपैथी का थायराइड हार्मोन है और इसके किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लेने के साथ साथ आपको अपनी पूरी फिजिकल एक्टिविटी जो आप पहले किया करते थे उसमें वापस जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरी जिंदगी आपको खाना पड़ेगा थायराइड का हार्मोन। यदि आप पूरी जिंदगी थायराइड का हार्मोन नहीं खाना चाहते तो फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, वॉक, रनिंग, स्विमिंग, डांस, जुम्बा, एक्सरसाइज, योगा ट्रेनिंग, व्यायाम, जो आप करना चाहें करिए, अपनी बॉडी को रेगुलरली थकाने के लिए, वो भी फिजिकल स्टेमिना और एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए, और पूरी मांसपेशियां आपकी बॉडी की काम करनी चाहिए। इतना आपको फिजिकल वर्कआउट रेगुलर करना है जो हमारे देश में ज्यादातर मरीज अपने घरों में हम लोग नहीं करते। आप इसको देखिएगा, अपने पापा मम्मी, आप खुद, भैया भाभी, इन सभी को देख लेना। ये कोई भी ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे ज्यादातर घरों में, आप अपने घर का एग्जाम्पल देखना, जिनमें किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो। आजकल मनोरंजन के भी जो साधन है वो बहुत शोर मचा देते हैं, इस वजह से भी हमारी ग्लैंड इफेक्ट होती है, हमारी फीलिंग्स इफेक्ट होती है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है, माइंड में स्ट्रेस आता है, तनाव बहुत बढ़ गया है। थायराइड के बहुत सारे लक्षण हैं, आप जब गूगल करेंगे तो आपको थायराइड के बहुत सारे लक्षण मिलेंगे, लेकिन मेरा फोकस स्पेशली 2-3 बातों को लेकर है। सबसे पहली बात जिसकी वजह से मरीज आते हैं वो है वेट गेन, वजन बढ़ रहा है। दूसरी बात, सर्दी इस तरह से इतने इस कदर इतने लंबे समय से हो रही है कि आपको भी नहीं पता होगा कि सर्दी मतलब कितने सालों से स्टार्ट हुई और जल्दी ठीक नहीं होती।
तीसरी बात, जोड़ों में दर्द आपके चालू हो जाता है और ज्वाइंट पेन मल्टीपल ज्वाइंट्स में आ रहा है। चौथी बात, सांस बहुत फूलती है आपकी, सांस बहुत भर जाती है, जल्दी आप सीढ़ी चढ़ने में थक जाते हैं, सीढ़ी उतरते थक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं। पांचवी बात, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता मिलती है, वो भी एक थायराइड का कारण है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, थायराइड की वजह से हो रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि दवाइयों की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखूंगा, तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। कुछ मरीजों को ये प्रॉब्लम हो रही है, पिछले वीडियोस में कि हमने जिस सियाटिका का वीडियो शेयर किया था, झाइयों के लिए बनाया था, उसमें काफी अच्छे वो उसमें लोगों ने कमेंट्स किए थे, वो जो कमेंट थे उसमें ध्यान से देखिएगा। कुछ लोगों ने पूछा है कि सर यहाँ दवाइयों का डिस्क्रिप्शन कहाँ दिख रहा है, तो दवाइयों का डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डला हुआ है, नीचे जाएं आराम से देखें, पूरा टाइम दे वीडियो को और समझें। जब आपको बीमारी है उसका कारण समझ में आ जाएगा, तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। केवल दवाई खाना या दवाइयां खिलाना हमारे चैनल का मकसद नहीं है, मैं हर बार बोलता हूं, और ना ही हमारे चैनल में आप कमेंट ये करिए कि डॉक्टर मैं फीस भेज दूंगा मुझे ये बता दो, डॉक्टर मैं फीस भेज दूंगा मुझे वो बता दो, ये मत करिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव बंद ढक्कन खोलना और बंद आंखों या आंखों के सामने से जो पर्दे डले हैं उसको हटाना है। थायराइड कैसे ठीक होगा इस पे कंसंट्रेट करें। मैं इसके बाद भी कुछ वीडियोस थायराइड पे स्पेशली बनाऊंगा जिसमें वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप थायराइड की बीमारी को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि थायराइड एक मेटाबॉलिज्म वाली बीमारी है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, शरीर की उपापचयी क्रियाएं स्लो हो रही है, फैट का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आयरन मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ये उपापचयी क्रियाएं जब स्लो हो जाएगी तो बॉडी डल या स्लो पड़ जाएगी, आयरन की कमी होने लगेगी, कैल्शियम की कमी होने लगेगी, फैट बॉडी में जमता चला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, लीवर की का जो इफेक्टिविटी है वो काम करने की वो स्लो हो जाएगी, हॉर्मोन्स का लेवल महिलाओं में अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज आपको मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस, मैक्सिमम केसेस आपको ऐसे मिलेंगे। आप अपने आसपास के सभी थायराइड के मरीजों से बात कर सकते हैं, आपके घर में भी एक ना एक मरीज आपको थायराइड का मिलेगा। इतनी भयानक तरीके से ये एक जीवन शैली की बीमारी फैल रही है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, पहली बार ये एक रोग ऐसा है जो आपने खुद बनाया हुआ है। मैं अक्सर बताता हूं, मैंने वीडियोस में भी शेयर किया है कि कृपया अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना चालू कर दें। यदि आप 30 के हो गए हैं तो स्पेशली 30 32 35 वाली एज वाले अभी से ध्यान देना चालू करो, बाद में आपको समस्या जब होगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक आदत होती है, जब समस्या आएगी तभी हम उसका समाधान ढूंढेंगे, समस्या ही ना आए ऐसी कोशिश करें तो कितना बढ़िया होगा। तो अभी से अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें। मेरी सलाह, मेरी हिदायत आपको ये है, यदि आपको अपनी बॉडी में स्लोनेस या डलनेस लग रही है, काम करने का मूड नहीं रहता, मन करता है कि छोड़ना कल करेंगे, ये वाली फीलिंग होती है, अरे ठीक है ना अब सफाई कल कर लेते हैं आज, ठीक है जाने दो, ऐसी वाली यदि फीलिंग आने चालू हो गई है, फोकस करो कि आप थायराइड की तरफ तो नहीं जा रहे हो और आपकी बॉडी डल तो नहीं हो रही है। अचानक से किसी दिन ब्लड टेस्ट कराओगे, थायराइड प्रोफाइल और T3 T4 TSH में से TSH बढ़ा हुआ मिल जाएगा, यू विल बिकम ए पेशेंट ऑफ थायराइड हाइपोथायराइडिज्म। अभी मेरे जो पिछले वीडियोस हैं मैंने उसमें आपको दवाइयों के बारे में भी बताया हुआ है और किन कारणों से तकलीफें आ रही है उसके बारे में बताया हुआ है। मेरी लाइव क्लिनिक्स में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। लाइव क्लिनिक मेरी कुछ समय से बंद है अभी ड्यू टू सम रीजंस, और बीच में एक स्ट्राइक भी हमारे चैनल में गलती से आया था, तो खैर हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी बातें हम शेयर कर रहे हैं उसको ध्यान से समझना, अभी से एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, और वो फिजिकल एक्टिविटी ऐसी हो, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे एक्सरसाइज हो, व्यायाम हो, योगा हो, पर्सनल ट्रेनिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो, कराटे हो, स्विमिंग हो, डांस करते हो, जुम्बा करते हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, रनिंग करते हो, जिससे आपको जिसमें मजा आता था, या कोई भी एक गेम्स में इन्वॉल्व हो जाएं, आपके पास इन सभी चीजों के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है, ये मैं अच्छे तरह से जानता हूं।
मैं खुद भी इस तरह की एक्टिविटी डेली करता हूं, यदि आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी आपकी बॉडी में फुर्ती रहना चाहिए, आपकी बॉडी स्पीडली स्पीडी रहना चाहिए, आपकी बॉडी में स्लोनेस नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को तुरंत करने की आदत होनी चाहिए, ऐसा नहीं आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे। इस तरह की सोच को डेवलप ना करें। यदि आप ऐसा कर ले रहे हैं तो फिर आप थायराइड की बीमारी से दूर हो जाएंगे, आपको पूरी जिंदगी वो थायराइड की बीमारी नहीं आने वाली। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज से आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेडिसिन के फील्ड में जब MBBS हो, BHMS हो, BAMS हो, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको एक बुक पढ़ने मिलती है, वो होती है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की, जिसको हम PSM का सब्जेक्ट बोलते हैं। और PSM का सब्जेक्ट डिपेंड ही इस बात पे करता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी ही बचाव है, सावधानी रखेंगे तो आपको आगे जाके इस तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी जो आपको आपकी जीवन शैली की वजह से मिल रही है। तो अपनी जीवन शैली में अभी से काम करना शुरू कर दें, अभी से वो मेहनत करना चालू कर दें कि जिस पे आपको मजा आता था। आप चाहे क्रिकेट खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप हॉकी खेलें, आप कबड्डी खेलें, आप दौड़ें, बच्चों के साथ खेलें, गार्डन जाएं, झूला झूलें, इवन जो पैरेलल बार्स आती थी, जो भी सरकारी स्कूलों में हम लोग देखते थे कि पहले पैरेलल बार्स होते थे हमारे स्कूलों में, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, तो वहां पैरेलल बार होते थे, दो पाइप होते थे जिसपे हम लटक के एक्सरसाइज किया करते थे, वो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। यदि पैरेलल बार के एक्सरसाइज के बारे में आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करिए, पैरेलल बार की एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। आप लटक जाइए उस पर पैरेलल बार, आधा घंटे आप एक्सरसाइज करिए, आपको जिस भी चीज में, जिस भी फिजिकल एक्टिविटी में मजा आ रहा है वो फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, वो आपको लाइव बना के रखता है। अदरवाइज आपकी बॉडी डल हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, माइंड स्लो हो जाएगा, आप भूलने लग जाएंगे चीजों को, चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेट होंगे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, बॉडी थकी थकी सी रहेगी, ऐसा आपको देखकर लगेगा, चेहरा देखकर आपको लगने लगेगा यार ये कैसा मरीज, आसपास के लोग भी आपको बोल रहे हैं। तो सावधान हो जाइए, मैं डरा नहीं रहा हूं ये समझ लो मैं आपको धमका रहा हूं, क्योंकि ये डराना या ये धमकी आपकी जिंदगी में आपको इस बड़ी बीमारी से निजात दिलाएगी। जिनको भी थायराइड की बीमारी है, मेरी एक ही सलाह है, वो अभी से फिजिकल एक्टिविटी करना चालू कर दें। ज्यादातर लोग दवाइयों के डोज कम ज्यादा करने के लिए डिपेंडेंसी बनाते हैं, दवाइयों के डोजेस को कम या ज्यादा करने के लिए डिपेंडेंसी बनाने की जगह यदि आप फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम खूब जम के करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा यदि आप इस पर लगा दें, तो आपको दवाइयों का डोज कम करने के लिए अपने डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप वो अपने घर पे कर पाएंगे। दवाई के साथ साथ आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक और बात ध्यान रखें, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं थायराइड में कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, थायराइड में क्या परहेज करना चाहिए, क्या परहेज नहीं करना चाहिए, थायराइड में कौन सा फल खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते। हजारों की तादाद में ऐसे वीडियो आपको YouTube में मिल जाएंगे। प्लीज उन चीजों को देखने से अच्छा है आप वो सभी चीजें खाइए जो आप अपनी दैनिक जीवन में खाते हैं। हरी सब्जियां, फल, सलाद, ये सब खाने के लिए बने हैं, ये परहेज करने के लिए नहीं बने हैं। जितनी भी सब्जियां और जितने भी सलाद में आप यूज करते हैं, जितनी भी हरी सब्जी आप खाते हैं, जितने भी फ्रूट्स आपको खाते हैं, उन फ्रूट से या सब्जियों से आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। ये केवल मन का भ्रम और दिमाग के फितूर हैं, और ये मन के भ्रम और दिमाग के फितूर बहुत सारी वेबसाइट्स में और बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स में आपको मिल सकते हैं। इन सभी मन का भ्रम और दिमाग के फितूर को फैलाने वाले वीडियोस को मत देखना कि ये पत्ती खा लेने से आपका थायराइड ठीक हो जाने वाला है, या ये फलाने फूल के रस से आपका ये ठीक हो जाने वाला है, या ये सब्जी मत खाना नहीं तो थायराइड बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रोज ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस पीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, उसको पीस के पी लीजिए, आपका बॉडी पूरा का पूरा प्योरिफाइड रहेगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेंगे, आपके सारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाने वाले हैं। अलसी का सेवन करने के लिए मैंने अक्सर आपको सलाह दी है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार देख के समझिएगा कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। बात जनरल है लेकिन बात स्पेशल है,
आपने कई सालों से एक्सरसाइज योगा व्यायाम नहीं किया है, आप वेट कर रहे हो कि कब बीमार हूं तब करूंगा, और आपने न जाने कितने सालों से, जब से आपने जो है ऑफिस ज्वाइन किया होगा, जॉब जरूर भोजन होगा। नहीं है। मैं अक्सर अपने मरीजों को ये सलाह देता हूं, और मेरे जितने मरीज इस चैनल को देख रहे होंगे, इस वीडियो को, वो हंस रहे होंगे कि सर ये आज वही बात कर रहे हैं जो वो क्लिनिक में किया करते हैं। तो इस बात को समझिएगा, हो सकता है इस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो, 20-25 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन इसमें जो बातें आपको बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लोग, हम इंडियंस में मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्या है, दवाइयों पे बहुत डिपेंडेंस हो जाते हैं। डिपेंडेंसी हमारी दवाइयों पे बहुत ज्यादा है। आप प्लीज दवाइयों पे डिपेंडेंसी हटाएं, दवाइयों पे निर्भरता हटाएं, आत्मनिर्भर बने, अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं, इतने स्ट्रांग बनाएं, मेंटली स्ट्रांग बनाएं, ताकि आप अपनी बीमारियों से खुद लड़ सकें, अपने इम्यूनिटी, अपने प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसको पोषक आहार देना चालू कर दें। और पोषक आहार भी किसी डब्बा बंद आहार पोषक आहार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपके सारे सब्जियां, सारे फल, सलाद सब खराब आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी भी सब्जियां अवेलेबल है जो गांवों में से लोग लेकर आते हैं बिना खाद की, जैविक कृषि वाली, वो सभी सब्जियां आपको अवेलेबल हैं। एक बार देखिए, ढूंढिए, जब तक ढूंढेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो आप ढूंढिए, कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए अपनी लाइफस्टाइल पे। अपनी लाइफस्टाइल पे जब तक फोकस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम खुद नहीं जागते तब तक सवेरा नहीं होता। आवाज दिल से आनी चाहिए, और इस चैनल का उद्देश्य हमेशा यही रहा है, मेरा, मेरे क्लिनिक में हमेशा यही उद्देश्य होता है कि आपकी आवाज आपके दिल से आए। आवाज दिल से आए इसका मतलब ये है कि हम अपनी चीजों के लिए अवेयर हो गए हैं, और अब हम ट्रीटमेंट करने के लिए दवाइयों के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल पे भी काम करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो आपकी अंतरात्मा में झांकने के लिए आपको मजबूर कर देगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद अपने अंदर के उस इंसान को जगाएं जो बचपन में खेला करता था, मस्ती किया जा करता था, एंजॉय किया करता था, तनाव मुक्त रहता था, लाइफस्टाइल सही तरीके से जीता था। बचपन में चले जाएं अपने, आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा लोगों तक शेयर कीजिएगा, मेरी बात को जितनी दूर तक आप पहुंचाएंगे उतना